पूरे देश में एक जैसा जश्न मनता है। जब देश क्रिकेट का मैच जीतता है तो देश में एक जैसा जुनून होता है। हमारे जश्न के सांस्कृतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन भावना एक जैसी ही होती है। देश की ये एकता, ये एकजुटता, एक दूसरे के लिए अपनापन, ये बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की जड़ें कितनी गहरी है। और साथियों, भारत की यही एकता हमारे दुश्मनों को खटकती है। आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है। इसलिए गुलामी के सैकड़ों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने भारत को बांटने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए सब कुछ किया। हम फिर भी उसका मुकाबला कर सके, क्योंकि एकता का अमृत हमारे भीतर जीवंत था, जीवंत धारा के रूप में बह रहा था। लेकिन वो कालखंड लंबा था, जो जहर उस दौर में घोला गया उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है। इसलिए ही हमने बंटवारा भी देखा और भारत के दुश्मनों को उसका फायदा उठाते भी देखा। इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है। वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। और भाइयों बहनों, इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती है, जो देश को बांटती और कमजोर। जातक विचार, वास्तु विचार, माटी परीक्षा पाई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।